जीवन में खुशियों का आनंद। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक संत रहा करते थे। गांव के बाहरी क्षेत्र में उनकी छोटी सी कुटिया थी। उनको कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको उस कुटिया में शांति नहीं प्राप्त हो रही थी। उनके मन में एक भव्य आश्रम बनाने का विचार था। उन्होंने लोगों से अनुदान लेकर और पैसे इकट्ठे करके एक आश्रम बनवाने का निर्णय लिया। संत ने गांव गांव जाकर लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में एक दिन उनकी मुलाकात एक औरत से हुई जो बहुत ही गरीब थी और एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। वो औरत संत को अपनी कुटिया में ले गई और जो कुछ उसके पास था वो संत को खा दिया। उसके बाद उसने संत जी के लिए गद्दे जात नरम बिस्तर लगा दिया और उनको तकिया और चादर देकर आराम करने को कहा। संत ने उस गद्दे जात चारपाई पर सोने की कोशिश की लेकिन उनको नींद नहीं आई क्योंकि वो तो वर्षों से अपनी झोपड़ी में जमीन पर ही सो गया। तभी संत ने देखा कि वो औरत कुछ दूरी पर फर्श पर आराम से सो रही थी। कुछ देर के बाद जब उस औरत की आंख खुली तो संत ने पूछा, तुम जमीन पर फर्श पर सो रहे हो और वह भी इतनी चैन की निमित्त कैसे? उस औरत ने जवाब दिया, मैं जो भी मिलता है उसी में संतुष्ट रहती हूं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे पास एक छोटी सी कुटिया है और जब मेरे को एक वक्त का खाना मिलता है तो मैं उसमें बहुत भाग्यशाली समझती हूँ और जब मैं फर्श पर सोती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ की गोदी में सोती हूँ। संत की आंखें खुल गई और वो सोचने लगे कि वो जो करने जा रहे थे वो गलत था क्योंकि सुखी और शांत जीवन के लिए अच्छे आश्रम का होना जरूरी नहीं। संत तुरंत ही उस औरत की कुटिया से निकले और उन्होंने जितने भी पैसे चंदे से इकट्ठे किए थे वो जगह जगह गरीबों में बांट दिए और फिर मुस्कुराते हुए अपनी कुटिया की तरफ चल दिए। मित्रों, जीवन को सुखी और शांत बनाने के लिए धन की नहीं मन की संतुष्टि की जरूरत होती है। इंसान को हराने में संतुष्ट रहना सीखना ही जीवन की खुशी का मूल मंत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया।